की तारीख है और हम इस मकसद के निकले हैं कि रात होता जो पहाड़ी तोता भी कहते हैं ये कहां से आता है और कैसे खुराक खाता है ये हमारे सामने इंडिया है।
तकरीबन 4 किलोमीटर वहाँ से ये हमारा मेहमान परिंदा है, ये सिर्फ आता है अपने बच्चों की खुराक लेने के लिए। इसका काम है आना है और खुराक लेनी है बच्चों के लिए और वापस चले जाना है। लेकिन यहाँ के जालिम शिकारी जो हैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जाल लगाते हैं, लगा के इसको पकड़ लेते हैं और ये तो बेचारा कैद होता ही है, साथ इसके बच्चे भी मर जाते हैं। इस दफा इंशाल्लाह हमने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया, इसको हमारा पुलिस ने तावन किया, हमारे साथ हमारे डीजी ने तावन किया, तो पुलिस की भारी नफरी लगाई और हमने इसको पकड़ने पर इंशाल्लाह 100% तो नहीं 90% काबू पा लिया। उसकी वजह ये हुआ हमने 2-3 शिकारी पकड़े हैं और एक को 15,000 रुपये जुर्माना और तहसील बदल किया गया है और तकरीबन 10 जाल मैंने पकड़े हैं और लोग तो भाग जाते हैं क्योंकि इतनी फोर्स हमारे पास नहीं होती। लेकिन इंशाल्लाह लगता है कि आइंदा साल कोई भी शिकारी यहाँ पर नहीं आएगा। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ से तोता फ्लाइट करके आएगा उसकी फ्लाइट भी दिखाएंगे और उसका जहाँ ये खाता है, जिस तरह ये बेर खाता है, जो इसका तरीका कहाँ है वो बताते हैं। इस इलाका में बेशुमार तोता आता है, ज्यादा तो नहीं 1,000-2,000 तो आता है और ये जगह है फगला, फगला 1-2 के दरमियान ऊपर दी वाली छम का इलाका है और ये तकरीबन 30 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी है जहाँ पर ये खुराक खाता है। और अभी ऐसा तरीका कार कर रहे हैं कि हर गांव में कमेटियां बना रहे हैं, हर गांव मेंबर चेयरमैन से ये बात हो रही है कि जिसका वो इलाका होगा अगर उसके अंदर जाल लगेगा, उसके अंदर ये लोग तोते पकड़ेंगे तो हम उनको भी पूछेंगे कि भाई आपके इलाका में ऐसा क्यों हो रहा है और जिसकी जमीन पर ये दरख्त लगाया, दरख्तों पर जाल लगेगा उससे भी हम पूछेंगे भाई ये क्यों हो रहा है। और यही एक वाही तरीका है इस पर सही काबू पाने का, क्योंकि इतना बड़ा लंबा इलाका को काबू करना बहुत मुश्किल है। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट मेंबर में अकेला आदमी हूँ और मैं अपने असर सुख से, अपने बेटों से, अपने दोस्तों से मदद लेकर इस काम को इंशाल्लाह ठीक तरीके से कर रहा हूँ। और इस रात होते का जो तरीकाकार है वो ये है कि ये बेरी का दरख्त होता है, बेर के जो बेर लगे हैं उस बेर को तोड़ता है और उसके अंदर जो मगज होता है उसको ये खाता है और इसने घंटे डेढ़ के अंदर अपनी पोट भरनी है, भरने के बाद ये फ्लाइट करेगा और वापस हमारे बच्चों को खुराक देगा और उसके बाद ये फिर 3-4 बजे आएगा, एक बार फिर बच्चों के लिए खुराक ले जाएगा। और ये अगर ये इसको पकड़ लिया जाए तो आप यकीन करें कि नर जो है